जिस तरह से ट्रक चालकों की हड़ताल चली है उस तरह से जिला बिलासपुर में पेट्रोल की कमी भी सामने आ रही है। जो तेल के टैंकर है वो समय पर नहीं पहुँच रहे, इस तरह से पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं पीछे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे जाम लगा हुआ, लोग लंबी लंबी कतारों में पहुँचे हुए हैं ऑटो। और अभी दूसरा दिन है और हालांकि ज़िला में पेट्रोल नहीं है और ना ही डीजल है, जिससे तरह एक पेट्रोल पंप ऐसा मात्र है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल अभी उपलब्ध है और लोग यहाँ पर बोतलों और केनियों में लेकर तेल भर रहे हैं, क्योंकि लाइनें तो लंबी लग चुकी हैं क्योंकि यहाँ तक गाड़ी लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ ही जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें अभी तक गाड़ियाँ जो खड़ी हैं सुबह से लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं लेकिन अभी तक तेल नहीं भरवा पा रहे हैं। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहिए वो पॉइंट भी जहाँ पर लोग तेल भर रहे हैं और बोतलों में तेल भरा जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सुबह से लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं अभी तक इनका तेल भरवाने का नंबर आ रहा है। अभी जिस तरह से ये हड़ताल चालू है और आगे भी रहेगी तो किस तरह का यहाँ पर लोगों को देखना होगा, किस तरह के तेल की किल्लत होगी, किस तरह से अभी देखना बाकी है। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो तेल भर रहे हैं जो लोग सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी तक तेल नहीं भर रहे हैं। इसके साथ ही देखते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ लंबी लंबी कतारों में लगी हुई हैं और लोग किसी तरह का भर नहीं हुए लोगों से और अभी एक दूसरे के साथ साथ गाड़ियाँ भर रहे साथ साथ जुड़ी हुई हैं। और अब देखना ये होगा ये हड़ताल कब तक समाप्त होती है और कब तक लोगों को भरपूर मात्रा में पेट्रोल और डीजल मिलेगा। लास्ट से खबर तक के लिए ठाकुर की रिपोर्ट।